दोस्तों, अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो किसी भी शिखर को छूकर वापस आ सकता है। ये भी कुछ ऐसी ही कहानी है इन तीन बच्चियों की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूरे रेगिस्तान को अपने पैरों से नाप डाला, क्योंकि उनके अंदर एक जिद थी, एक जुनून था, जिसकी बदौलत उन्होंने 2400 किलोमीटर का सफर अकेले तय कर लिया, वो भी बिना किसी चप्पल या जूते के। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी, आइए जानते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत दुनिया के अधिकतर हिस्सों में थी। उन्होंने ऐसे ही 1831 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उस शहर में 3 फेंस बनाए गए ताकि जो जंगली जानवर हैं वो शहर की ओर ना पाए और खेती को खराब ना कर सके। और इस फेंस को रैबिट प्रूफ फेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये खासकर रैबिट को इस ओर आने से रोकने के लिए बनाई गई थी। इसको बनाने के लिए सरकार ने पानी की तरह पैसों को बहाया था। इसके बाद हम 1935 का समय देखते हैं और जगह है जिगलोंग, जहाँ पर एक आदिवासियों का कबीला रहता है और यहाँ पर यह कबीला बरसों से रह रहा है। लेकिन ये बात सरकार को हजम नहीं हो रही है कि वो यहाँ पर खुश कैसे हैं, इसलिए उन्होंने एक कानून निकाला है जिसका नाम एब ओरिजिनल। अब वो क्या था ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। एक एब ओरिजिनल लड़की को देखते हैं जिसका नाम मौली है। वो हमें बताती है कि उसके डैड फेंस पे काम करते हैं और वो एक वाइट मैन है। उसकी एक बहन है जिसका नाम है डेजी और एक ग्रीस नाम की कजन है। तीनों साथ में ही रहते हैं। उसकी माँ ने उसे बताया कि उसके डैड बरसों से उस फेंस पे काम कर रहे हैं और कब वो लौटेंगे उन्हें नहीं पता है। वो हमें ये भी बताती है कि ये गोरे लोग उन्हें हाफ कास्ट कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उसके डैड वाइट है और उसकी मॉम ब्लैक है, और इसीलिए वो हमसे नफरत भी करते हैं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है पर्थ के गवर्नमेंट ऑफिस में, जहाँ पर हम एक लेबल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि इस कानून का हेड है, और सारे आदिवासी उसे शैतान कहकर पुकारते हैं क्योंकि वो उनके बच्चों को उठा कर ले जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसकी पूरी पावर चलती है। वो किसी भी हाफ कास्ट बच्चे को ले जा सकता है, क्योंकि वो और सरकार दोनों नहीं चाहते कि किसी भी वाइट का बच्चा ब्लैक पैदा हो, क्योंकि ऐसे में उन्हें ब्लैक और वाइट में फ़र्क करने में दिक्कत होगी। उसने मौली के गाँव से कई बच्चे दूसरी जगह भेजे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें गुलाम बनाना चाहता है। ऑफिसर को इन आदिवासियों से सख्त नफरत है और वो नहीं चाहता कि आगे जाकर इनकी तादाद बढ़े। इसी दौरान उसके पास उसकी सेक्रेटरी आती है जो उसे मौली और उन दोनों बच्चों के बारे में बताती है, तो वो उन्हें भी उस जगह पर भेजने को कहता है जहाँ पर और हाफ कास्ट के बच्चे रहते हैं, जिसके बाद वो एक पेपर पर साइन कर देता है। उधर हम मौली को उसकी माँ के साथ देखते हैं जो एक साथ अच्छा समय बिता रही थी, जिसके बाद वो वहीं बने एक ब्रिटिश राशन की दुकान पर जाती है कुछ खाने का सामान लेने के लिए। वहाँ बैठा आदमी उसे बताता है कि मिस्टर लेबल मौली और उसकी बहनों के बारे में बात कर रहे थे, शायद वो उन्हें ले जाएं। तो उसकी माँ कहती है कि उस शैतान को कह देना कि उसकी बेटी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं पर रहेगी और यहीं उसकी शादी भी होगी। अगर उसे बच्चे इतने पसंद है तो बोल दो कि खुद पैदा कर ले, और अगर नहीं कर सकता तो हमें बता दे। जिसके बाद वो हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी मिस्टर लेबल के लोग वहाँ कार लेकर पहुँच जाते हैं। इसीलिए वो चिल्लाते हुए अपनी बेटियों से कहती है कि बेटी यहाँ से भागो, वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये बात वो लोग भी सुन लेते हैं और अपनी कार से उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, और आखिर में वो तीनों बच्चियाँ थक कर वहीं गिर जाती हैं। आखिर कब तक वो यहाँ से भागती रहेंगी? और यहाँ पे जो सीन आता है वो ज़रूर आपके सीने को छल्ली कर देगा, कैसे एक माँ के सामने उनके बच्चियों को उठा कर ले जाया जाता है। और जब वो इसका विरोध करती है तो उन्हें एक बड़े ऑफिसर के साइन करे हुए पेपर को दिखाया जाता है और बिल्कुल चुप करा दिया जाता है। कैसे एक अमीर और पावरफुल इंसान एक गरीब बेबस माँ को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर देता है। वो अपनी बेटियों को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन ये बुजदिल दुनिया उसकी एक बात नहीं सुनने वाली है, और अब उसके सामने ही उसकी बेटियाँ उससे दूर हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर लेबल को देखते हैं जो एक स्पीच दे रहा था, जिसमें वो बताता है कि कैसे आज के समय में वाइट लोग ब्लैक औरतों से शादी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी ब्लैक पैदा हो रहे हैं, और इसीलिए हमारा ये खूबसूरत शहर बर्बाद हो रहा है। हमें जितनी जल्दी हो सके इसे रोकना होगा, और मेरे पास एक चीफ होने के नाते इतनी पावर है कि मैं किसी भी हाफ कास्ट बच्चे को उठा सकता हूँ और इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अगले सीन में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो नेटिव सेटलमेंट नाम के एक कैंप की ओर जा रही है, जो जिगलोंग गांव से तकरीबन 1200 मील की दूरी पर है। इस ट्रेन में कई गुलाम हैं जिन्हें अंग्रेजों ने कैद करा हुआ है, और इसी में हम तीनों लड़कियों को भी देखते हैं जिन्हें एक पिंजरे में बंद करके रखा गया है किसी जानवर की तरह, जैसे कि वो उन्हें काट लेंगी। अब 2 दिन के बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और हम पहली बार उस कैंप को देखते हैं जिसे कि ब्रिटिश नर्सेस चला रही थी, जिन्हें कुछ मिस्टर लेबल सेलेक्ट करके लाए थे। ये किसी हिटलर के ऑस्ट्रिच कैंप की तरह ही था, बस उसमें और इसमें इतना फर्क था कि वहाँ पे हर उम्र के लोग कैद थे और यहाँ पर सिर्फ बच्चे हैं।
सभी बच्चों को एक साथ ही एक रूम में सुलाया जाता है जिसमें से मौली और उसकी बहनें भी थी। वहाँ की नर्सेस का प्रति इनका व्यवहार कुछ खास नहीं होता। खैर इनका एक दिन यहाँ पर बीत जाता है। अगली रात के डिनर पर सभी को उनके कपड़े दिए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें खाने पर बताया जाता है कि उन सभी को यहाँ पर अपने लोकल लैंग्वेज में बात करनी है, बस इंग्लिश का इस्तेमाल करना है, और अगर किसी को दूसरी भाषा में बात करते हुए देखा गया तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। सभी बच्चे काफी मासूम होते हैं तो वो उनकी कही सारी बातों को मान लेते हैं। अब अगले दिन वहां पर मिस्टर लेबल आते हैं और सभी को खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, और इसी में मौली पहली बार उसे देखती है, वरना अभी तक उसे बस उसके बारे में अपनी माँ से सुना था। अब नए आए हुए बच्चों को वो अपने पास बुलाता है जिसमें मौली का भी नाम था, लेकिन वो उसे अनसुना कर देती है। लेकिन बाद में नर्सेस उसे बुलाती हैं और फिर वो मौली से कहता है कि अब ये तुम्हारा घर और तुम्हें यहीं पर रहना है और यहाँ के कल्चर को फॉलो करना है। इसके बाद सभी बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में काफ़ी बातें बताई जाती है ताकि वो धीरे धीरे उसकी ओर आएं और फिर वो उनका धर्म बदल दे, जिसके बाद वो उन्हें अपने गुलाम की तरह उनका इस्तेमाल करना शुरू करना चाहता था। कहानी और आगे बढ़ती है और एक दिन हम देखते हैं कि एक ट्रैकर नाम का आदमी एक बच्ची को लेकर उस कैंप में आ रहा है। दरअसल उस ट्रैकर को ब्रिटिशर्स ने रखा हुआ था, वो यहाँ का लोकल है और उसे इस जगह के हर कोने के बारे में पता है। उसके साथ जो लड़की है वो असल में यहाँ से भाग गई थी, इसलिए वो उसे पकड़ कर ला रहा है। अब उसके जाते समय वो उसकी आंखों में देखती है तो मानो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर मौजूद वो सबसे खतरनाक इंसान है, इसलिए मौली चुपचाप जाकर सो जाती है। लेकिन पूरी रात बस उसके ख्यालों में मिस्टर लेबल के ही बातें आती रहती है। वो इसी सोच में डूबी रहती है कि आखिर कोई शख्स कैसे किसी के बच्चों को उनके परिवार से दूर कर सकता है, क्या उसे गॉड कभी माफ़ करेंगे। यही सोचते हुए सुबह हो जाती है, लेकिन यहाँ मौली ने सोच लिया था कि अब वो यहाँ से ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, इसीलिए वो कोशिश करती है कि कैसे भी करके वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। ट्रैकर हमेशा उन पर नजर रखता है। हालांकि यहाँ से भाग पाना काफी आसान था क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी पता था कि ये छोटी बच्चियां हैं, आखिर ये कहाँ तक पैदल भाग पाएंगी, इतनी गर्मी है वो थक ही जाएंगी, और तब तक उनके पास तो ट्रैकर पहुंच ही जाएगा, इसलिए ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं होती। पर मौली के इरादे अलग थे, उसके अंदर जोश था वो शायद इन सबसे अलग है। जो ब्रिटिशर सोच रहे हैं उसे कई गुना ज्यादा वो बहादुर है। खैर एक सुबह वो डेजी से कहती है कि चलो हमें यहाँ से निकलना है, वो तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो सही मौका देखकर वहां से निकल जाती है। अब दोपहर में लंच के बाद जब काउंटिंग दोबारा से होती है तो उसमें से 3 बच्चियां मिसिंग थी, वो कोई और नहीं बल्कि मौली, डेजी और ग्रीस होती है, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लाया गया था। जब इस बारे में मिस्टर लेबल को पता चलता है तो वो कैंप के लोगों के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी उन पर नजर रखना, और इसके बाद वो फौरन उस ट्रैकर को उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। देर रात हो जाती है और अब बारिश भी होने लगी थी। तीनों बहनें भीगते हुए आगे बढ़ रही थी, उनके अंदर आज़ादी का एक जुनून था, इसलिए उन्हें इस बारिश का कोई एहसास तक नहीं होता। पर एक इंसानी शरीर को आराम की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करती है। फिर सुबह होते ही वहां से निकल जाती हैं, पर वो ट्रैकर सोता नहीं है, वो बारिश में भी उसे ढूंढता रहता है, और अगले दिन वो जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इन्होंने रात गुजारी थी। वहां पर गीली घास और ह्यूमन यूरिन की स्मेल को देखकर वो समझ जाता है कि वो इसी रास्ते से आगे गई हैं। कुछ समय के बाद वो तीनों एक नदी के पास पहुंचती है जहाँ पर ये खुद को साफ करती है और ढेर सारा पानी पीती है। मौली जानबूझकर वहां पर डेजी झोला छोड़ देती है ताकि ट्रैकर जब यहाँ पर पहुंचे तो उसे लगे कि वो लोग दूसरे रास्ते से चले गए, और असल में ये तीनों नदी के रास्ते से आगे जाना शुरू कर देते हैं। अब जब वहां पर ट्रैकर पहुंचता है तो उसे वो झोला दिखता है, वो समझ जाता है कि ये जरूर उन लड़कियों की चाल है और वो उनकी चाल को समझ जाता है। वो इस नदी के रास्ते से आगे गई होंगी क्योंकि कोई भी होगा वो हमेशा नदी का ही रास्ता चुनेगा, लेकिन अभी उन लड़कियों के लिए सफर काफी लंबा होने वाला है क्योंकि अभी कुछ ही देर में रेगिस्तान आने वाला है जहां पर ना तो इन्हें पानी मिलेगा और ना ही खाना, इसलिए अभी इन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। कहानी और आगे बढ़ती है और वो ट्रैकर घोड़े से इनके काफी करीब पहुंच जाता है और उस घोड़े की आवाज मौली को सुनाई दे जाती है। वो फौरन दोनों को वहीं झाड़ियों में छुपा देती है जिससे कि वो आदमी इन्हें देख नहीं पाता और इनसे आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद ये तीनों फिर से चल पड़ती और आगे जाकर इन्हें एक जगह पर 2 शिकारी मिलते हैं। जो मौली से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो तो वो बताती है कि गीटालोंग, जिससे वो सुनकर कहता है कि ये तो काफी लंबा रास्ता है, इसलिए वो उसे मैच बॉक्स देता है और साथ में कुछ मीट के टुकड़े भी ताकि वो आज रात के खाने का इंतजाम कर सके। अब उस रात ये लोग आग जलाते हैं और उसी मीट को पका कर खाते हैं। तब सबसे छोटी डेजी अपनी बहन से पूछती है कि वो लोग इस समय कहाँ पर है, तो मौली कहती है कि वो खो चुके हैं,
लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि उसे नॉर्थ की ओर जाना है, जहाँ पर फेंसिंग उन्हें मिल जाएगी, जिसे पकड़कर वो गीटालोंग पहुंच जाएंगे। उधर हम लेबल को देखते हैं, जो इनके लापता होने से बहुत परेशान हो गया था, और इसीलिए वो अपने ऑफिसर को बुलाता है और उनसे अपडेट लेता है कि वो कहाँ पर है इस समय, उन्हें अभी तक ढूंढा क्यों नहीं गया। वो ऑफिसर बताता है कि उन्हें आखिरी बार मूरे रिवर पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई, हमें उनका कोई निशान नहीं मिला। ये सुनकर वो और गुस्से में आ जाता है और ऑर्डर देता है कि और लोगों को ढूंढने के लिए भेजो। और उधर हम गीटालोंग शहर में उसी राशन शॉप पर खड़ी मौली की माँ को देखते हैं, जो बस इसी उम्मीद में है कि उनकी बेटी बस जिंदा रहे और उसे कोई भी तकलीफ ना हो। तभी वो राशन वाला उन्हें बताता है कि सभी लोग उसे ढूंढ रहे और वो आखिरी बार मोरे रिवर के पास देखी गई थी। अब ये सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है, क्योंकि अभी तक उस कैंप से इतनी दूर तक कोई नहीं भाग कर आया है। लेकिन उन्हें खुशी भी थी कि उनकी बेटी ने हौसला दिखाया। अब कई दिन बीतने के बाद हम मौली को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, इसलिए वो एक फार्म में जाकर अंडे चुराने लगती है। लेकिन तभी वहां रहने वाली एक ऑस्ट्रेलियन लेडी उसे देख लेती है, पर वो उसे कुछ कहती नहीं है, बल्कि वो तो उसे खाने को देती है। और जब वो उनके कपड़ों को देखती है तो समझ जाती है कि ये लड़कियां कैंप से भाग कर आई हैं। उनके कपड़े बहुत ही पतले थे, इसलिए वो उन्हें कुछ मोटे जैकेट देती है ताकि उन्हें रात में ठंड ना लगे। अब वो उनके दर्द को समझ रही थी, क्योंकि उसकी भी एक छोटी सी बेटी थी। जिसके बाद वो तीनों वहां से जाने लगती हैं, पर जाते हुए वो लेडी उन्हें वार्निंग देती है कि आराम से जाना, क्योंकि वो शिकारी फेंस की ओर है। और अब फेंस का नाम सुनते ही वो उसे पूछती है कि वो किस तरफ है। वो लेडी कहती है कि ईस्ट की तरफ, जिसे सुनकर वो स्माइल करती है और फिर उसी की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उन्हें सही रास्ता मिल गया था जिसे फॉलो करके उन्हें आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें अभी बहुत समय लगने वाला है। अब कई दिन चलने के बाद वो लोग एक फेंस के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बारे में मौली ने अपनी बहनों को बताया था। तभी हम गीटालोंग में मौली की माँ को देखते हैं, वो उसी फेंस को पकड़कर खड़ी थी, मानो उन्हें यकीन था कि उनकी बेटियाँ ज़रूर वापस आएंगी और वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। इधर मौली को एक ट्रैवलर का कैंप दिखता है, वो उसके पास जाती है खाने के लिए, तो वो उसे कुछ सामान भी देता है, जिसके बाद वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही हैं। तो मौली बताती है कि गीटालोंग, पर वो कहता है कि तुम गलत फेंस के जरिए जा रही हो, तुम्हें पहली फेंस को पकड़कर चलना होगा। दरअसल ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में तीन फेंस है और सबसे बड़ी जो है वो पहली वाली है, जिसे फॉलो करके इन्हें आगे बढ़ना होगा। और वो उन्हें समझाता है, फिर ये लोग उसी के बताए हुए रास्ते पर आगे चलना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन इन्हें एक ब्लैक लेडी का घर दिखता है, जो इन्हें देखते ही पहचान जाती है कि ये लोग मूरे रिवर कैंप से भाग कर आए, इसलिए वो उन्हें आज रात यहीं पर रुकने के लिए बोलती है। लेकिन जब रात होती है तो मौली को पता चलता है कि ये घर उस लेडी का नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिशर्स का है, इसके गुलाम वो लेडी है, और इसलिए वो सभी को भागने को कहती है। लेकिन तब तक वो आदमी पुलिस को लेकर आ जाता है, पर वो लेडी उन बच्चों को पीछे के दरवाजे से भाग जाने को बोलती है, और वो ऐसा ही करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी तरह उनकी ज़िंदगी भी गुलामी में कटे। जब वहाँ पुलिस आती तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिलता, और उस पुलिस वालों के साथ ट्रैकर भी मौजूद था, जो कहता है कि हमें सुबह ढूंढना चाहिए। और सुबह होते ही वो उनके पैरों के निशान को ढूंढना शुरू कर देता है और अंदाज़ा लगा लेता है कि वो असल में किस ओर गई हैं। उधर हम लेबल को देखते हैं, जो अपने लोगों से कहता है कि शहर में हर तरफ ये खबर फैला दो कि ग्रीस की माँ मेलियोना शहर में उसका इंतज़ार कर रही है, और जब ये बात उसे पता चलेगी तो वो ज़रूर अपनी माँ के पास जाने की जिद करेगी। समय बीतने लगता और एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया था। तीनों जैसे तैसे करके आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें एक आदमी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि तुम लोगों को पुलिस हर तरफ ढूंढ रही है, और तुम में से ग्रीस कौन है, तुम्हारी माँ मिलोना शहर में इंतजार कर रही है, वहाँ जाकर तुम उनसे मिल सकती हो। लेकिन मौली समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो सभी को चलने को कहती है। पर कुछ देर चलने के बाद ग्रीस के मन में उसकी माँ का ख्याल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत याद कर रही थी, इसलिए वो उससे कहती है कि क्या पता वो आदमी सच कह रहा हो, इसलिए हमें चलना चाहिए। लेकिन मौली मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली जा सकती हो। थोड़ी देर सोचने के बाद वो चली जाती है और ये लोग दूसरे रास्ते चल पड़ते हैं। यहाँ पर डेजी के पास अब चलने की ताकत खत्म हो चुकी थी, इसलिए मौली उसे उठा लेती है और फिर वो दोनों चुपके से रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, ये देखने के लिए क्या सच में ग्रीस मिलोना शहर जा रही है। पर कुछ देर बाद वहाँ एक कार आती है, जिसमें वही आदमी बाहर निकलता है जो इन्हें रास्ते में मिला था। वो ग्रीस को पकड़ लेता और ये उनकी एक चाल थी। वो चिल्लाती रहती है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, लेकिन वो उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। अब दोनों बच्चियाँ ये देखकर बहुत डर जाती हैं और वहीं छुपी रहती हैं और फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन ग्रीस के जाने के बाद मौली की हिम्मत अब जवाब देने लग गई थी। वो ये बात डेजी को बताती नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है पर्थ में, जहाँ पर लेबल को देखती हैं, जो उन दोनों बच्चियों को ना ढूंढ पाने की वजह से काफ़ी गुस्से में था। पर अब उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। वहीं हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं, जो अकेले ऐसे पैदल सफ़र करते करते थक गई थी। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था,
पर तभी मॉली देखती है कि आगे की फेंसिंग टूटी हुई है। अब वो यहाँ से कैसे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके सहारे से वो आगे जा रही थी। अब डेजी कहती है कि ज़रूर आगे जाकर ये फिर से जुड़ जाएगा, हमें चलते रहना चाहिए। मॉली उसकी बात मान लेती है और फिर से चलना शुरू कर देती है, लेकिन इस बीहड़ इलाके में ऐसे पैदल चल पाना आसान नहीं था। दोनों की हालत अब बहुत ही खराब हो गई थी। उन्हें बीच बीच में घासों में जमे पानी से खुद की प्यास बुझाने का मौका मिल रहा था, पर वो काफी नहीं था, जिसकी वजह से वो कुछ दूर जाने के बाद बेहोश हो जाती हैं और वहीं गिर जाती हैं। वही गांव में हम मौली की माँ और उसकी दादी को देखते हैं, जो उसी फेंस को पकड़कर उनकी इंतजार कर रही थी। इधर जब कुछ देर बाद इन्हें होश आता है तो मौली देखती है कि आसमान में एक चील उड़ रही है, जो उनसे कह रही है कि मंजिल बस थोड़ी ही दूर है, उठो और चलो। वो दोनों खड़े होकर फिर से चलना शुरू करती हैं और सामने फेंस फिर से शुरू हो रहा था। अब इनका गांव ज़्यादा दूर नहीं है। उधर गांव में सभी पुलिस वाले इनका इंतज़ार कर रहे थे और वो उन्हें पकड़ लेंगे, पर उनकी माँ को पता था कि वो उनकी बेटी को फिर से पकड़ लेंगे और इसीलिए वो कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अब दो रात गुजरने के बाद फाइनली उन्हें दो परछाई देखती है, मौली और डेजी ने कर दिखाया था। वो भागते हुए अपनी माँ के पास पहुँच गई थी, जिसे देख कर उसकी माँ गले से लगा लेती है, लेकिन अब यहाँ रहना इनके लिए सेफ नहीं है, जिसके बाद ये लोग उस गांव को छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले जाते हैं। कहानी और आगे बढ़ती है और हमें मौली की रियल आवाज़ सुनाई देती है, जो हमें बताती है कि उस दिन के बाद उन्होंने ग्रीस को कभी नहीं देखा। उसने सालों बाद शादी कर ली और उसकी बेटियाँ हुई, पर उन्हें फिर से मोरे रिवर कैंप में डाल दिया गया, लेकिन वो वहाँ से अपनी बेटी के साथ भागने में कामयाब रही। लेकिन एक रात उसे फिर से ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती रही। इसके बाद हम डेजी और मौली की असली तस्वीर को देखते हैं, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। हमें यह भी बताया जाता है कि आज भी बहुत सारे अब ओरिजिनल बच्चे हैं जिन्हें अपनी पहचान नहीं मिल पाई है कि उनके माँ बाप कहाँ हैं, और ये दर्द उनकी ज़िंदगी से कभी निकल नहीं पाएगा, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।